भाई फूल आगे ले वापस, चपकी मारने आगे ले फिर से। बहुत वैन के एड़ चाले, मैं तो सीधी चाले चलू, टेढ़ी चाल तेरी आदत है, भीड़ चाल क्योंकि लालच है, जुबान के पक्के नहीं भरोसा कागज पे, गाय पड़ी सबको भाई बना सबको, चलना छोड़े थोड़ा आहिस्ते, ख्वाहिश पे फरमाइश है, उसी की आवाज है, बिल्कुल ना धकल दे, अपन ऊंचाई पे खड़े ले, कहीं देखो ना ढकेले, पब्लिक भी रखेले, मैटर करेगा हम रखेले, वकीले बाड़ी भी ऑन, ड्यूटी भी ऑन, बस खाने रापस को दे रहे ले, कुप्चे में ले रहे ले, उठा के दे रहे। सो गाइस, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MUA Bantay वेक्टर इमेज। अगर फ्रेंड्स आप किसी और का चाहते हो तो उसका नाम दे के वेक्टर इमेज दे दें, यहाँ पर काफ़ी सारे इमेज आ जाते हैं वेक्टर इमेज, यहाँ पर आप जो इमेज आपको पसंद है यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं सिंपली डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद गाइस आपको वही ब्राउजर पर सर्च करना है रिमूव बिजी, तो रिमूव बिजी जब भी आप करोगे तो आपको एक वेबसाइट पर थ्रो कर देता है, तो यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जो आप वेक्टर इमेज डाउनलोड किए हो उसे जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो सिलेक्ट करने के बाद उसे डन कर देना है और नीचे पे आपको वो इमेज केवल 5 सेकंड पे PNG करके दे देगा। तो आप पिक्सार्ट से भी कर सकते हो या इरेजर से भी कर सकते हो, मगर आपको PNG फोटो करना है। उसके बाद नीचे पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस डाउनलोड का ऑप्शन पे आप देख सकते हो, क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है टेक्सचर बैकग्राउंड और इमेज पे आ जाना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्सचर बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, तो आपको जो पसंद है आप उसे डाउनलोड कर लें, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। सो गाइस उसके बाद आपको यूट्यूब पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है मोंटू बॉस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन सब देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आपका सॉन्ग ऊपर नहीं रहा ये ब्लैक स्क्रीन, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं iMovie ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन, उसके बाद उस गाना का नेम दे दें तो आपको काफ़ी सारे उस ब्लैक स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन शो होता है। उसके बाद आपको काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। अभी गाइस एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो मॉडेड लिंक अगर मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक, इसलिए गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या DM कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं मॉडेड काइनमास्टर का लिंक दे दूँगा। तो उसके बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करना और 16:9 रेशियो को ले लेना है और यहाँ पर आपको मीडिया पे चले जाना है और जो टेक्सचर आप डाउनलोड किए हो उस टेक्सचर को यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर देना है। तो टेक्सचर को इंपोर्ट करने के बाद आपको इस पे टैप करना है और जितना दूर आप स्टेटस करना चाहते हो उतना दूर आप इसे कर दें और नीचे विनेट को एनेबल कर दें और ऊपर पे ये वाला क्लिक करें क्रॉप में और इसे टू फिंगर से ऐसे बड़ा कर लें और यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे चले जाना है और जो PNG के हो उसे उसके बाद इंपोर्ट करना है और एंड टाइम तक इसे कर देना है और इसे आपको कुछ इधर ला लेना है ऐसा आप जो देख रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है और कोई भी पिक को आपको सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है और वो फोटो को आपको कुछ छोटा कर लेना है ऐसे आप देख रहे हो और कुछ इसके बाद आप कुछ ऐसा रख लें। उसके बाद आप जो देख रहे हो कुछ ऐसा आपको रख लेना है और छोटा करके कुछ ऐसा रख लेना है और उसके बाद जो आपका पीछे वाला बड़ा फोटो उसको थोड़ा इधर कर लेना है। उसके बाद गाइस वही फोटो के अंदर नीचे ब्लेंडिंग पर आ जाना है और लाइटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे चले जाना है और जो आप ब्लैक स्क्रीन डाउनलोड किए हो उसके बाद उससे यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो उससे इंपोर्ट करने के बाद गाइस नीचे पे आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा, तो ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करके अपना टेक्स्ट को देख लेना है जो कैसा है और छोटा करके आप कुछ यहाँ पर रख सकते हो इजीली। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, ओवरले पे जाना है, गेट मोर पे चले जाना है और यहाँ पर सिनेमेटिक ओपनिंग इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है और अपना डेटा को भी ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर इंटरनेट मेरा स्लो है इसीलिए तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। उसके बाद उस सिनेमेटिक ओपनिंग पे क्लिक कर लेना है और सेकंड वाला को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके जितना दूर स्टेटस है मतलब एंड टाइम तक कर देना है इससे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, हैंड राइटिंग पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला को रख लेना है, वाइट कलर ले लेना है और यहाँ पर 3 डॉट को 3 नंबर डॉट को ले लेना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ ऐसे इसके ऊपर में ड्रॉ करना है, कुछ आप देख रहे हो इस ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है और उससे कुछ ऐसा बड़ा कर लेना है और वो हैंड राइटिंग को आपको कुछ यहाँ पर नीचे पर रख लेना है। उसके बाद आपको इससे एंड टाइम तक कर देना है और यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको डुप्लीकेट कर लेना है और कोई भी एक मतलब ये हैंडराइटिंग को ले लेना है और इसे आपको उसके बाद ऊपर तरफ रख लेना है। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे चले जाना है और ये इफेक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। उसके बाद आपको इसे इंपोर्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले और नीचे ब्लेंडिंग पर आ जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और जो आप सिनेमेटिक ओपनिंग लिए उस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नीचे वाला व्हाइट लाइन थोड़ा शो नहीं हो रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करके अच्छा से थोड़ा ऊपर तरफ कर लेना है। सो गाइस आपका स्टेटस बन के तैयार हो चुका है, अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ जो कैसा बना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना है। तो ऐसे के सिंपली आप बना सकते हैं ये वाला स्टेटस। तो बस गाइज इसमें इतने, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो के दीजिएगा लाइक। और गाइज अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोज देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।